उत्तर प्रदेश के शामली जनपद में कलयुग के श्रवण कुमार को देखने का मौका मिला। ये श्रवण कुमार अपने दादा दादी को कांवड़ में बैठाकर हरिद्वार से अपने गांव पहुंचे। हरिद्वार से कांवड़ यात्रा दादा दादी को लेकर घर पहुंचे सगे चार भाई, जिन्होंने 13 दिन में हरिद्वार से झिंझाना तक कांवड़ में बैठाकर दादा दादी को यात्रा कराई। दादा दादी ने भी अपने आप को सौभाग्यशाली बताते हुए अपने पौत्रों की लंबी आयु की कामना की। कांवड़ यात्रा के दौरान ये कांवड़ आकर्षक का केंद्र बनी रही। कस्बे के मोहल्ला माजरा निवासी वृद्ध प्रेम एवं उनकी धर्म पत्नी समुद्री को उनके पौत्रों द्वारा दूसरी बार कांवड़ यात्रा कराई। पौत्र अनिल कुमार राजपाल ने बताया कि मेरे दादाजी प्रेम व दादी समुद्री की इच्छा थी वो भी सावन महीने में हरिद्वार से गंगा स्नान करे, जिसको पूरा करने के लिए पिछले एक वर्ष भी मैंने अपने भाई सचिन, राहुल, सुनील के अपने दादा दादी को हरिद्वार से यात्रा कराई थी। इस बार भी हम लोग 19 जुलाई को शाम 6:30 बजे हरिद्वार से स्नान कर अपने दादा दादी की कांवड़ उठाई थी, जिसके बाद बारी बारी से हम चारों भाइयों ने इस यात्रा को पूरा किया। शामली से दैनिक भास्कर के लिए दीपक वर्मा की रिपोर्ट। ये कौन है जो आप ले रहे हो कांवड़ में? बाबा दादी। तुम्हारे बाबा दादी है? कहाँ से लेके आए? हरिद्वार से, कांवड़ में। इससे पहले भी गए थे आप? दूसरी कांवड़ है जी। ये आपकी दूसरी कांवड़ है? तो ये आप कहाँ के रहने वाले हैं? रहने वाले तो नहीं है जी, माजरे मोहल्ले से। झिंझाना के ही हो रहने वाले? अच्छा, 2 साल हो गए आपको इन्हें लाते हुए? अच्छा, कितने जने हो आप? हम 4 भाई हैं। 4 सगे भाई हो? सगे भाई। अच्छा, 4 मिलके लेके आए इन्हें। कितना टाइम लगा भाई आने में? आज 13वां दिन है। 12वां दिन है। 12 दिन में आप पहुंच गए अपने यहाँ?